और यहाँ चल रही है करवा चौथ की तैयारी, स्क्रब हो रहा है चेहरे पर। और पिंकी दीदी की भतीजी है ये, तो मैंने आप सबको एक बार फ़ोटो में दिखाया भी था आपको, नेहा नाम इसका। और ये किसी काम से आई थी, अपने कॉलेज के काम से, फॉर्म वगैरह भरने के काम से आई थी, तो आ गई थी, रुक गई थी यहाँ पर, पास में इसका कॉलेज है। और मैं इससे बोल भी रही थी कि मतलब हल्के हल्के हाथ से करियो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो काम होता है पार्लर का ही मुझसे ही सीख कर गई थी, तो मैंने कहा हल्के हाथ से कर। और किसी काम से आई थी तो मैंने कहा चल कर दे। और यहाँ पे मैंने लगाया है स्क्रब के बाद मार्क्स, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ। और ये बहुत अच्छा मार्क्स है, मतलब अच्छे से छूट भी जाता है और ऑरेंज फ्लेवर है। अगर आपको इसका फ़ोटो चाहिए, मतलब जैसे कि कौन सी उसका है, मतलब भूल गई अभी, लेकिन मैं फ़ोटो लगा दूँगी साइड में, तो आप देख लेना कौन सी कंपनी का है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, अगर आपको भी यूज करना है तो आप ले सकते हो। और ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, 15 रुपये का पाउच आता है। और पिंकी दीदी भी यहाँ पर तैयारी में लगी हुई हैं अपने, तो इनका स्क्रब हो गया था, मार्क्स सूख गया था, तो वो छुटा रही थी वो नया, तो बता रही थी मुझे मतलब इस तरीके से है, मैंने कहा हाँ इस तरीके से छुटेगा। तो सबकी तैयारी चालू है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉगर में। और इधर चल रही है करवा चौथ की तैयारी, झूठ नहीं सच, हाथ पैर की सफाई चल रही है नहीं, करवा चौथ की तैयारी चल रही है, जो कि अभी मैंने अभी भी दिखाया था कि मेरी दिखाना, देख तो ले उधर से, देख लेगा वीडियो में, देखेगा जाओ उधर जाके देख ले, देख ले पहले सबसे। हेलो कर लो, हेलो हेलो करो पहले सबसे, हेलो हेलो करो पहले सबसे, हट गंदा बच्चा नहीं, हट जा, तो गंदा है ना, हाँ तो हटो ना फिर। तो मेरी भी हो चुकी है, मैंने अभी दिखाया था आपको, मैंने अभी बाय बाय अभी नहीं हेलो करना, तो मेरा भी स्क्रब हो गया है। और मैंने अपनी गर्म स्टॉल निकाल ली है, आज सुबह तो भाई ठंड लगी सच में, बहुत मीठी मीठी जो ठंड होती नहीं, मीठी मीठी वाली, वो वाली ठंड लगी, तो मेरी तो निकल आई गर्म स्टॉल। और बच्चों को भी गर्म कपड़े निकल आए हैं, क्योंकि मैंने परसों धो के रखे हैं सारे कपड़े धोकर रखे थे, वैसे तो देखो धोकर ही रखते हैं, इधर उधर अब जाओ उधर देखो आगे जाओ उधर, वैसे तो देखो धोकर ही रखते हैं, पर क्या होता है कि जब हम कपड़े निकालते हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल मारती है, फिर धोना पड़ता है। तो हमने धो लिए, सबने ही धो लिए घर में, और जो कम्बल वगैरह था वो भी मेरे निकल चुके हैं, कम्बल भी धो के रख लिए हैं मैंने, ओढ़ते हैं मतलब अभी तो डेली में, क्योंकि नहीं गेसू क्योंकि अब ठंड पड़ने लग गई है, सुबह शाम की ठंड हो गई, दोपहर में तो नहीं लगती, क्योंकि दोपहर में तो धूप में अच्छा लगता है थोड़ा बैठने में, तो बैठ जाते हैं। और मेरे यहाँ पर एक दाना सा उठ गया है छोटा सा, तो मैंने कि ये क्यों उठ गया, पर लेकिन उठ गया तो कोई बात नहीं अब। और अभी टाइम बता देती हूँ मैं, 5 बज रहे हैं करेक्ट, शाम के 5 बज रहे हैं, और आज तारीख है 2 नवंबर है, अक्टूबर नहीं 2 नवंबर है, और दिन है सोमवार, हाँ 8 दिन सोमवार है। और आज मैंने अपने बिच्छू भी पहन लिए हैं, क्योंकि इस बार वैसे तीज की पड़ती है करवा चौथ, इस बार चौथ की पड़ रही है, तो चौथ को पहनते भी नहीं हैं, और बुधवार की है तो बुधवार को भी नहीं पहनते हमारे यहाँ पर, मतलब कोरे जो बिछुआ होते हैं वो नहीं पहनते, तो हमने आज दबा लिए हैं। सोमवार भी है और आज की दौज है, तो मैंने पहन लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं ये, इस तरीके से हैं ये। और मेरे एक नाखून पता है इतना बुरी तरीके से टूटा था ये, अब तो ठीक हो गया ये वाला नाखून, नहीं सही में इतना दर्द हुआ, ये पूरा जड़ में से चला गया था, ये बहुत दर्द हुआ था, और आज से 1 महीने पहले की बात, अब तो ठीक हो गया, अब तो दबा रही तब भी दर्द नहीं हो रहा। अब कि मैं सिंपल वाले लेकर आई हूँ, बिल्कुल बहुत सिंपल, शोर नहीं करो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एकदम ज़्यादा वो नहीं है, तो पहन लिए हैं मैंने पहले से ही। रहने देना, कितना शोर कर रहा है ना, कितना शोर कर रहा है ये लड़का, जब मैं वीडियो बनाने बैठते तभी इसकी पता नहीं क्या पी पी गाड़ी चलने लग जाती है। और मेहंदी का क्या है कि आज मतलब पिंकी दीदी की जो भतीजी है उसका नाम नेहा है, वो तो बोल रही थी, वो तो बोल रही थी कि आज ही लगवा लो मेहंदी, मैंने कहा चल रहने दे, मैं तो नहीं लगवा रही आज, मैंने कहा कि फीकी पड़ जाती, फिर कलर फीका पड़ जाता अच्छा नहीं लगता, कल ही लगवाएंगे कल रात को। एक हाथ पर तो मैं लगा लेती हूँ खुद, और एक हाथ पर नहीं लग पाती, सीधे हाथ पे मैं खुद लगा लेती हूँ, फिर नहीं उल्टे हाथ पे लगा लेती हूँ, सीधा हाथ रह जाता है, तो देखते हैं या तो गुंजन पे लगवाएंगे, नहीं तो फिर या तो सिर्फ पोटुआ लगा लेंगे, नहीं तो फिर रह ही जाएगी। तो हमारी तो बस इस तरीके से करवा चौथ की तैयारी चल रही है। मेरे पास कमेंट आया था कि आपकी करवा चौथ की कैसी तैयारी चल रही है,
मैंने आपको दिखा दिया था क्या तैयारी चल रही थी, सामान मैंने आपको दिखा दिया था कि मैं क्या लेकर आई थी, कढ़ाई वगैरह। और रही साड़ी वाड़ी की, तो साड़ियाँ मैं लेकर नहीं आई क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ की बात क्या बताऊँ, लहंगा पहनते हैं शादी वाला, और ये ज़रूरी नहीं है कि लहंगे ही पहनना है, नहीं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन साड़ी है तो साड़ी पहन लो, साड़ी नहीं है तो शादी वाला लहंगा पहन सकते हैं। पर लेकिन मैंने पिछली साल, वैसे हमारे यहाँ पर हर साल शादी वाला लहंगा पहनते हैं सब लोग, क्योंकि हम 6 दौरान जठानी सब लहंगा पहन लेते हैं तो अच्छा लगता है। और पिछली बार मैंने लहंगा साड़ी पहनी थी क्योंकि मैं लहंगा साड़ी लेकर आई थी करवा चौथ से पहले, शादी पर लेकर आई थी किसी की शादी पर, तो मैं ले आई थी तो करवा चौथ पे हो गई थी, मतलब करवा चौथ के पहनने लायक हो गया था लहंगा साड़ी, अच्छी थी मेरी वो, और मैंने पहनी भी नहीं थी, पहली बार पहना था तो मैंने पहन लिया। और इस बार देखते हैं कि क्या पहनते हैं, मतलब कन्फ्यूज़न है कि एक मन मेरा ये कर रहा है कि शादी वाला लहंगा तो बहुत बार पहन लिया, बहुत बार मतलब काफ़ी, जब से मेरी शादी होकर आई है 10 साल हो गए, 10 साल से 2 साल मैंने नहीं पहना और 8 साल तो पहन ही लिया मैंने, 8 बार पहन चुकी हूँ मैं। और पिछली साल मैंने पहना था कि लहंगा साड़ी, तो उसमें फ़ोटो है मेरे पास, तो मैं सोच रही थी, हर कोई सोचता है यार कि ऐसी चीज़ हो मतलब उसमें फ़ोटो ना हो, उसमें फ़ोटो अच्छे आए, पिछली साल के भी हो अगले साल के भी फ़ोटो हो, अच्छा लगता है कि हर करवा चौथ के अलग अलग लुक में फ़ोटो हो, तो मैं कुछ अलग सोच रही थी, लेकिन शायद नहीं भी हो पाएगा, हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी कि क्या सोच रही थी मैं और क्या नहीं, अगर हो गया तो ज़रूर बताऊँगी, नहीं हो गया फिर भी बताऊँगी मैं, ठीक है, कि क्या मैं सोच रही थी जो कि नहीं हुआ है। और ये केशव कैसे कारिस्तानी में लगा पड़ा है, हेलो करो, अब तू हेलो हेलो नहीं करता, किसी से गंदा बच्चा हो गया ना, हेलो मैंने अभी हेलो की, हेलो करी थी, कब करी थी, अभी दोबारा कर दो, हाथ से करते, हाथ से हेलो, हाँ अभी अभी हेलो करी थी, पता नहीं कब कर दी, मुझे तो भाई पता नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं दिया कब हेलो करी इसने, और मुझे सुनाई भी नहीं दिया भाई, आप लोगों को सुनाई दिया हो तो भाई बता देना, ठीक है। और इस बार हमने फेशियल नहीं किया पूरा, सिर्फ स्क्रब और मास्क लगा लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि इस बार एक दिल में उमंग सी नहीं है, मतलब खुशी सी नहीं है कि करवा चौथ आ रही, ये करेंगे वो करेंगे, और ये मैसेज, और सारी खुशी आप सबको पता है कि कैसी होती है, कहाँ से आती सारे पैसे, सारी खुशी होती है पैसों से, इस बार थोड़ा काम धंधा मंदा होता है ना तो फिर यही होता है, अगर पैसे अच्छे खासे होते हैं या काम अच्छा खासा चलता है तो फिर मन करता है कि ये लियाओ वो लेकर आओ, ये खरीदो वो खरीदो, तो शॉपिंग अच्छे से हो जाती है, और मन भी करता है कि एक अंदर से चाहत होती है, वो नहीं आ रही इस बार, पता नहीं क्यों खुशी सी महसूस नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, और ये मेरे अंदर नहीं है, सबके अंदर यही हो रही है, सबके अंदर यही प्रॉब्लम है, आप लोगों का तो पता नहीं लेकिन मेरे घर में सबके अंदर यही प्रॉब्लम है। सूख गया, देखना हो गया, मेरे को दिखाई नहीं, अभी कहाँ सूखने, देखो सूखने की थोड़ी ना, अच्छा वो है ब्लीच, ब्लीच अच्छा अच्छा ब्लीच तो करी, वो तो गई, इन्होंने लगाई थी ब्लीच, मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे, मैं पहले लगाती थी ब्लीच, अब नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती, पहले लगाती थी, पहले मतलब आज से 5-6 साल पहले, तब से मैंने छोड़ दिया है ब्लीच, फिर मैंने छोड़ दी, और ब्लीच छोड़े हुए मुझे करीबन हो गए 3 से 4 साल हो गए मुझे, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बस स्क्रब और या तो मैं पूरा फेशियल या स्क्रब और पैक, बस ये करती हूँ मैं और कुछ नहीं करती हूँ। तो आप सबको बताना का कैसा लुक आया, और हाँ आईब्रो मेरी बन चुकी है, उसी दिन बनवा कर आई थी जिस दिन मैं मार्केट गई थी, मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो अब बता देते हैं, तो आप लोगों को कैसी लगी है, मोटी बनवाई है मैंने आपकी, वैसे मैं पतली बनवाती हूँ, आपकी मैंने मोटी बनवाई है क्योंकि मोटी ही चल रही है और फेस थोड़ा मेरा भारी है, तो मैंने कहा मोटी बनवा लेते हैं, लाओ इसे मैं रख दो अब, तो चलिए फिर वीडियो कर देती हूँ मैं एंड, फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, कल की तैयारी में देखते हैं कि क्या होता है, करवा चौथ पे फिर मिलते हैं कि कैसा क्या होता है फिर, और आप सबको एडवांस में हैप्पी करवा चौथ आप सभी को दिल से, बंद कर दूँ लाओ, तो चलिए फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप सबकी कैसी करवा चौथ की तैयारी चल रही है, मेरी जैसी चल रही थी मैंने आप सबको बता दिया, और आप ये भी बताना कि आपके यहाँ पे ठंड वंड चालू हुई या नहीं हुई, हमारे यहाँ तो भाई हो गई ठंड चालू, मेरे यहाँ तो हो गई हल्की हल्की, मीठी मीठी सी जो ठंड होती है वो हो गई, और गर्म स्टॉल तो निकल आई है मेरी ये, और आज लग रही थी ठंड, वास्तव में नहाने धोने में भी भाई
ये गाड़ी वाले यार, और नहाने में तो इतनी ठंड लग रही, मन नहीं करता यार नहाने का सच में सुबह सुबह, कि नहाओ या नहीं नहाओ। तो चलिए फिर वीडियो को कर देते हैं एंड, नहीं तो आप कहोगे कि अभी तो एंड कर दिया था फिर बकवास चालू। तो चलिए फिर वीडियो को कर देते हैं एंड, फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।